कराची में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। रमजान से पहले महंगाई ने अवाम को परेशान कर रखा है। सियावाला से रिपोर्ट करेंगी रहमान नदी। कराची में फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। महंगाई से अवाम को एक बार फिर से जहनी मुश्किलात का सामना है। अवाम का कहना है कि फलों के रेट इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब तो फल खरीदना और खाना भी हमारी इस्तेताअत से बाहर है। रमजान के बाद देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा नहीं अमरूद। अभी जो मिल रहा अच्छा, ये भी हफ्ते बाद गायब हो जाएगा मार्केट से। अभी कोई सस्ता नहीं होगा। अभी इमरान खान ने बोला था कि चीज़ हर चीज़ सस्ती होगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। उसका ही पेट भर जाए पहले, हमारा क्या भरेगा वो पेट। अवाम का मजीद कहना है कि रमजानुल मुबारक की आमद होने से पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है और अशियाए खुर्दनोश की चीजें हमारी पहुँच से दूर होती जा रही है। फ्रूट अभी क्या नाम के इतने महंगे है, रमजानों में तो गरीब आदमी खा भी नहीं सकेगा। यही समझो जो 100 का 1.5 किलो 2 किलो बिक रहा है, यही 150 रुपए किलो बिकेगा। फ्रूट जो है अब आपको पता है कि हर साल जिस तरह रमज़ान आते ही जो है हमारे मुसलमान भाई इतने ईमानदार है कि उसकी कीमतें खुद बहुत बढ़ा देते हैं। तो हुकूमत का काम है कि उनको कंट्रोल करें और गरीब आवाम को जो है उसको सपोर्ट करें और कुछ उनकी रियायत करें। अच्छा, इंडिया गैर ममालिक में देखें आप, मुसलमान कोई भी त्यौहार हो मुसलमानों का, वो लोग रियायत देते हैं। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि फलों की कीमतों में कमी की जाए ताकि हमें फल खाना नसीब हो सके। कैमरामैन रिहान सिद्दीकी के साथ राहिमा नदीम, K21 न्यूज़ कराची।